माननीय नेताजी, आदरणीय आजम साहब, मुख्यमंत्री जी, पार्टी के अध्यक्ष श्री सतपाल सिंह जी, हमारे सभी सांसदगण, मंत्रिपरिषद के सभी सम्मानित सदस्य, आदरणीय कुरैशी साहब, वैदिक जी, एयरफोर्स के बहुत सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, एयर मार्शल्स हैं, एयर वाइस मार्शल हैं, सभी बहनों भाइयों, विधायक बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने नेताजी के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले इस एक्सप्रेस वे का लोकार्पण उन्हीं के हाथों कराकर अब करेंगे अभी एक बहुत ही शानदार काम किया है। ये सारी चीज़ें अधिकारी बता चुके हैं। ये जो एक्सप्रेस वे है, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक जीवन रेखा का काम करेगी और जब ये बलिया तक बन जाएगी तो सारी दुनिया में इसकी अलग पहचान होगी। अब भी अलग पहचान है हिंदुस्तान में। इतने कम समय में अधिकारियों ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, नेताजी के आशीर्वाद से जो इस काम को पूरा किया है, वे सब अधिकारी बधाई के पात्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और मैं समझता हूँ इसका उद्घाटन समारोह जो हो रहा है वो हिंदुस्तान के इतिहास में अपने तरह का ये अभूतपूर्व उद्घाटन समारोह है। अभूतपूर्व, ऐसा कभी हिंदुस्तान के इतिहास में पहले नहीं हुआ कि जहाँ 8-8 फाइटर प्लेन, और देखिए कैसा संयोग है कि जो सुकोई नेताजी लाए थे रक्षा मंत्री होते हुए, वो सुकोई आज यहाँ उतरेंगे और फिर टेक ऑफ भी करेंगे। मिराज, जो दुनिया के सुकोई और मिराज सबसे अच्छे फाइटर विमानों में से हैं, वे यहाँ उतर रहे हैं। इस एक्सप्रेस वे का केवल यही महत्व नहीं है कि इससे लोग आएंगे जाएंगे, सामान ले जाएंगे लखनऊ तक, कभी अगर इमरजेंसी पड़ी तो आप जानते हैं कि दुश्मन हमेशा एयर स्ट्रिप पर स्ट्राइक करता है और कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं। इतिहास में ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि एयर स्ट्रिप्स को बर्बाद कर दिया और एयर कवर देने के लिए उस देश के पास अपनी सेना को कुछ नहीं बचा। ये ऐसा एक्सप्रेस वे है जो कभी भी इमरजेंसी में देश के एयरफोर्स के काम आएगा, देश के काम आएगा। इसलिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी और आपकी टीम बहुत बधाई की पात्र है। मैं कामना करता हूं कि आपने जो काम किया है, आपकी टीम ने जो काम किया है, आपकी मंत्रिपरिषद ने जो इसमें सहयोग दिया है और नेताजी का जो आशीर्वाद मिला है, वो आपको ऐसा ही मिलता रहेगा और अगले चुनाव के बाद जब दोबारा आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो बलिया वाले एक्सप्रेस वे का उद्घाटन भी नेताजी के द्वारा ही नियत समय पर करा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।